हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे भोर में क्लासेस दिए जाते हैं, तो ये प्रतिदिन जुड़े क्लास में 4 बजे ज़रूर जुड़े। तो और सभी दोस्तों को बुला करके लाएँ। या 10th क्लास के सोशल साइंस की क्वेश्चन करवाई जाती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलहाल करवाई जाती है ताकि जो भी आप पढ़ाई किए हैं तो उसका रिविज़न हो सके। उसके बाद आने वाला समय में सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगी, तो ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव हो रही है। क्वेश्चन करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? क्या भारत लोग के लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या शिक्षा है, क्या गरीबी है, क्या बेरोजगारी है, इनमें से सभी है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताएं कौन सा सही उत्तर है, ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है बताइए। देखिए, पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो ही बाधा हो सकती है, गरीबी भी रहेगी तो ही बाधा हो सकती है, बेरोजगारी भी रहेगी तो बाधा हो सकती है, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता में सब बाधा हो सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो जिम्मेवार नागरिक को चुन नहीं पाएंगे, गरीबी रहेगा तो पैसा पर बिक जाएंगे, बेरोजगारी रहेगा तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो उनका तो पैसा बिकना ही है। तो इस तरह से इनमें से सभी हो जाएगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट का डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में पूछा था और 2022 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं मित्रों, ये सिविक्स का जो 5वां चैप्टर होती है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, उससे करवाई जा रही है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ जो चैप्टर है उससे करवाई जा रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 5वां चैप्टर जो है लास्ट होती है आज, इसमें 15वीं लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 10.86% थी या 12.2% थी या 13% थी या 24% थी? जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताएं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, कि 10.86% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है ना, 10.86%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। तो दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 2019 के डिपार्टमेंटल में भी ये क्वेश्चन आई है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, बताइए किसने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बताइए जल्दी, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया था, नहीं किया जा सकता, सारा चीज़ हमने पढ़ा दिया है सब। तो आप लोग जो है सो जल्दी आंसर कमेंट करके जवाब दीजिए, है ना। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता किसने कहा था, महात्मा गांधी ने बोला था, किसने कहा था मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा के ऑप्शन बी सही है, तीसरा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए बताइए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है। 2018 के डिपार्टमेंटल में क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मित्रों, कौन सा सही उत्तर होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है, क्या मजबूत जनमत होगा, या फिर निरक्षर नागरिक होगा, या फिर मजबूत सेंसर बोर्ड होगा, या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है स्थिति इसमें सबसे आवश्यक जो है मजबूत जनमत होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, चौथा के ऑप्शन, जनमत मतलब जनता का मत विचार बिल्कुल मजबूत अगर रहेगी तो लोकतंत्र की सफलता हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जनता का मत ही ना सही रहेगा तो भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 2012 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करें,
पांचवा नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? पूर्व मतलब पहले होती है, क्या 10% थी, क्या 15% थी, क्या 33% थी, या फिर 50% थी? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों 10%। पाँचवा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, पाँचवा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। ये जो लोकतंत्र की चुनौतियां नामक चैप्टर थी उसमें से पांच ही क्वेश्चन था जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उतना ही करवाया। जब मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जब एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होंगे वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 15-20 क्वेश्चन से कम नहीं करवाएंगे, है ना। 20-25 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह क्लासेज जो है से प्रतिदिन यह दिया जाता है भोर में सुबह 4 बजे, ठीक है। इंटर का भी इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 4:30 बजे उनका रहेगा, 4 से 4:30 आपकी चलेगी, और 4:30 से 5 बजे तक किनका चलेगा, इंटर का भी क्लास चलेगी, क्योंकि इनका भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उनका भी मैं क्लास करवाऊँगा और इंटर का इंग्लिश का मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, सभी लोगों के पास दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को क्लास में बुला करके लाइएगा, ठीक है। फिर सुबह 4 बजे इंतज़ार कीजिएगा कल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।